देखिए, मैं 1991 बैच का PPS अफसर हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग गोंडा में हुई थी। उसके बाद मैं आजमगढ़ रहा, आजमगढ़ के बाद मैं नोएडा भी रहा और 2004 से लेकर 2009 तक मैं STF में था। और STF में जो उस समय ATS नहीं होती थी तो टेररिस्ट की जितनी एक्टिविटीज होती थी उसके लिए हमारी यूनिट ही काम करती थी, तो मैंने उसमें काफ़ी काम किया। उसके लिए मुझे सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार गैलेंट्री का अवार्ड भी दिया गया है। इसके बाद अभी 2 साल पहले मुझे सराहनीय सेवाओं का फिर से राष्ट्रपति जी के द्वारा अवार्ड दिया गया। पिछले वर्ष मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के DG भोंते द्वारा सिल्वर डिस्क भी प्रदान की गई है। उसके बाद मैंने 2013 से 2018 तक मैं भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी था। वहाँ से वापस आने पर फिर मेरा प्रमोशन हो गया था। पहले मैं कमांडेंट 36 बटालियन हुआ था, उसके बाद मैं भदोही में SP हुआ। ये मेरा दूसरा जनपद है। कठिन दौर कब सा रहा है आपका? देखिए, पुलिस की नौकरी ही कठिन दौर की है, लेकिन मेरे लिए कठिन कुछ भी नहीं था। मैंने तो बहुत शौक से सारी जगह काम किया है और शायद ये उपलब्धियाँ उसी की वजह से हैं।